सब्सक्राइब कीजिए मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनुराधा दुबे मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई जैसी रसीली रस से भरी हुई स्वादिष्ट और क्रिस्पी इंस्टेंट जलेबी, और वो भी मात्र 10 मिनट में। ना खमीर की टेंशन, ना ही लंबे समय का इंतजार, और इसे बनाने के लिए हमें कोई भी सामान बाहर से नहीं लाना है, और जो सामान घर पर है उसी से इसे बनाएंगे, और ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और करारी बनकर तैयार होगी, बिल्कुल बाजार जैसी। तो चलिए इस इंस्टेंट जलेबी को बनाना शुरू करते हैं। तो जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले बनाएंगे हम इसकी चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन, और इस पैन में हम डालेंगे करीब 1.5 कप चीनी। अगर आप इस चीनी को वजन से देखेंगे तो ये करीब 300 ग्राम होगा। इसके बाद हम इस चीनी में डालेंगे 1 कप पानी। हमेशा इस तरह की चाशनी बनाने के लिए चीनी से पानी आधा होना चाहिए, तभी जो आपकी चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अब हम इसे चलाते हुए इसे अच्छी तरह से पिघलाएंगे। जलेबी बनाने के लिए हमें सिर्फ आधे तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। जैसे ही चाशनी हाथों में बहुत ज्यादा चिपचिप होने लगे और गाढ़ी हो जाए, तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। चाशनी हमारी अच्छी तरह से उबलने लगी है, तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालने से जो हमारी चाशनी है वो जमेगी नहीं, और जो भी गंदगी चीनी में है वो भी साफ हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नींबू का रस डालने के बाद जो हमारी चाशनी है बहुत ज्यादा साफ दिख रही है। चाशनी का कलर अच्छा है, तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी केसर। केसर डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप करें। यहाँ पे अगर आप चाहें तो 1 चुटकी हल्दी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। हल्दी पाउडर डालने के बाद भी इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास केसर फूड कलर है तो आप उसे भी 1 से 2 बूंद इसमें डाल सकते हैं। ये भी डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो आप इसे भी स्किप करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाशनी में फूड कलर डालने से जो हमारी चाशनी का कलर है बहुत ही अच्छा आया है। तो इसी से जो हमारी जलेबी है बहुत ज्यादा कलरफुल बनकर तैयार होगी। तो चाशनी भी हमारी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं आपको उंगलियों में चिपका कर दिखा देती हूँ कि चाशनी की कंसिस्टेंसी किस तरीके की होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें इसका तार बिल्कुल नहीं बनाना है। जैसे ही उंगलियों पर चिटकने लगे वैसे ही हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि चाशनी जैसे ही ठंडी होगी थोड़ी सी और गाढ़ी होगी, तो जिस तरीके की चाशनी हमें जलेबी बनाने के लिए चाहिए वो इस तरीके की हो जाएगी। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और चाशनी को हल्का सा ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम बनाएंगे इंस्टेंट जलेबी का मिक्सचर। इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे एक बाउल, और इस बाउल में हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच मैदा। इसे बनाने के लिए हम सारा मेजरमेंट इसी चम्मच से करेंगे। जलेबी हमारी हलवाइयों जैसी क्रिस्पी बने तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच चावल का आटा। आप इसे बिना चावल के आटे का भी बना सकते हैं, लेकिन चावल का आटा डालने से जलेबी बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनती है। लेकिन अगर आपको क्रिस्पी जलेबी नहीं पसंद है तो आप चावल का आटा ना डालें। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच खट्टी दही। यहाँ पे हमें दही खट्टा ही यूज करना है, क्योंकि खट्टा दही डालने से जो जलेबी का मिक्सचर है वो अच्छी तरह से फर्मेंट होता है। अब हम इन सभी चीजों को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले हम दही और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डाल डालकर इसका हम घोल बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप इसमें इकट्ठा पानी डाल देंगे तो जो आपका मिक्सचर है वो पतला हो जाएगा, और जो मैदे और दही का घोल है अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा, उसमें गुठलियां पड़ जाएंगी। आप इसमें जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक स्मूथ मिक्सचर बनाकर तैयार करें। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, ताकि हमारे मिक्सचर में कोई भी लम्स ना पड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जलेबी का मिक्सचर है वो हमारा रेडी हो चुका है। इसका ना हमें बहुत ज्यादा गाढ़ा ना बहुत ज्यादा पतला, मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल बनाना होगा। तो हमें बिल्कुल इसी तरीके का सेमी थिक मिक्सचर चाहिए जलेबी बनाने के लिए। तो आपका भी घोल बिल्कुल इसी तरीके का फ्लो फॉर्म में होना चाहिए, कि जब भी आप इसे गिराएं तो ये कंटिन्यू गिरता रहे। जलेबी हमारी बिल्कुल मार्केट जैसी दिखे, तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे 3 से 4 ड्रॉप केसरी फूड कलर। अगर आपके पास कलर नहीं है तो आप यहाँ पे 1 चुटकी हल्दी का यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है। जब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे तब तक हम इसे ढककर 5 मिनट इसी तरीके से फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे इसे ढके हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप यहाँ पे बेकिंग पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका घोल गलती से पतला हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैटर है बिल्कुल अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो चुका है। तो इसे हम साइड में रख देंगे और जलेबी को बनाना शुरू करेंगे। तो जलेबी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 दूध की थैली। ये वही थैली है जिसमें रोज हमारे यहाँ दूध आता है। इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ करके पोंछ लिया है। पहले इस दूध की थैली को अच्छी तरह से बैटर से भर लें, फिर आप इसे साइड से कट लगाकर इसे बड़ी आसानी से जलेबी को बना सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरीके की कोई सॉस की बॉटल है तो आप उससे भी इस जलेबी को बड़ी आसानी से बना सकते हैं, और ये भी बॉटल मार्केट में बड़ी आसानी से 10 से 15 रुपए में मिल जाती है। और अगर आपके पास इस तरीके की केक सजाने की पाइपिंग बैग है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बड़ी आसानी से आप जलेबी को बना सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सबसे आसान तरीका आपको इस जलेबी को बनाने का बताऊंगी दूध की थैली से। तो इस दूध की थैली को हम ग्लास पर अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, और इसके बीच में हम भरेंगे जलेबी का मिक्सचर।
यहाँ पे हमें जलेबी का बहुत ज्यादा मिक्सचर नहीं भरना है, थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालकर हम इस जलेबी को बनाएंगे। तो इस तरीके से उठाकर हम सारे थैली को एक साइड में फोल्ड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से घुमाकर हम इस थैली को लॉक कर देंगे, ताकि जब हम इस थैली को प्रेस करें तो जो हमारा मिक्सचर है वो ऊपर से बाहर ना आए। तो ऊपर का जो हिस्सा है उसके ऊपर हम एक रबर बैंड लगा देंगे। इससे क्या होगा कि आपको जलेबी बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये है ना बिल्कुल आसान और बिना झंझट के जलेबी बनाने का सही तरीका। तो अब हम इसे भरकर साइड में रख देंगे और जलेबी को तलने की तैयारी करेंगे। तो जलेबी को तलने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन, और उस पैन में मैं डालूंगी करीब 1 कप देसी घी। आप इस जलेबी को सनफ्लावर घी या तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसे देसी घी में बना रही हूँ क्योंकि मिठाइयाँ हमेशा देसी घी की ही अच्छी लगती हैं। घी को पैन में डालने के बाद हम इसे बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, घी हमेशा हल्का गर्म रहेगा तभी हम इसमें जलेबियाँ बनाना शुरू करेंगे। अब हमने जो जलेबी का मिक्सचर भरकर रखा हुआ है उस पर एक कट लगा लेंगे। अगर आप जलेबी पतली खाना पसंद करते हैं तो छोटा कट लगाएं, अगर आप जलेबी थोड़ी मोटी खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा बड़ा कट लगाएं। तो मैंने यहाँ पे इस थैली में मीडियम साइज का कट लगाया है। अब हम कढ़ाई में जलेबी को बनाना शुरू करेंगे। पहले आप बीच में थोड़ा सा मिक्सचर गिराएं, इसके बाद आप उसके राउंड राउंड घुमाकर इस जलेबी को बनाएं और जलेबी को घुमाते हुए लास्ट सिरा उसका बीच में ज्वाइन कर दें। तो यहाँ पे जलेबी के सिरे को बीच से ज्वाइन करने का रीजन ये है कि जो आपकी जलेबी है वो बिखरेगी नहीं और बहुत ही परफेक्ट शेप में बनकर तैयार होगी। तो यही ट्रिक यूज करके हम सारे जलेबी को फटाफट बनाकर तैयार कर लेंगे। और हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको जलेबी बनाने में अच्छी शेप ना आए, लेकिन सेकेंड टाइम में जरूर आ जाएगी। और आप जलेबी बनाते समय एक बात का ध्यान रखें कि जलेबी तलते समय गैस का फ्लेम लो रखें और मीडियम हाई बिल्कुल नहीं करना है। जलेबी हमें लो फ्लेम पर ही तलकर तैयार करनी है। ऐसा करने से जो हमारी जलेबी है बहुत अच्छी तरह से फूलकर और क्रिस्पी होकर तैयार होती है, इसलिए जलेबी को हमेशा लो फ्लेम पर ही तले। थोड़ा पकने में समय लगता है लेकिन बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। तो हमारी जलेबियाँ एक साइड से अच्छी तरह से पक चुकी हैं, तो हम इसे दूसरे साइड में अच्छी तरह से पलट देंगे। तो यहाँ पे आप इस जलेबी को पलटते समय मेरी तरह कांटा चम्मच ले लें, नहीं तो टोंग ले लें जिससे आप रोटियां बनाते हैं, उससे आप इस जलेबी को बड़ी आसानी से पलट सकते हैं। तो इसी तरह से पलट पलट कर हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप जलेबी को तलें तो आपका जो पैन है बिल्कुल इसी तरीके का फ्लैट होना चाहिए, क्योंकि हलवाई भी जलेबी बनाते समय इसी तरीके का फ्लैट पैन का यूज करते हैं। जलेबियाँ हमारी अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो चुकी हैं, तो इसे हम टोंग यानी कि चिमटे की मदद से सारी जलेबियों को निकाल लेंगे। और जैसे ही हम इसे निकालेंगे वैसे ही हम इसे तुरंत चाशनी में डुबा देंगे, क्योंकि आप जलेबियों को गरम गरम जब चाशनी में डालेंगे तो ये अच्छी तरह से चाशनी को सोक करेंगे। इस जलेबी को हमें इस चाशनी में 5 मिनट रखना है, ताकि जो हमारी जलेबी हो अच्छी तरह से चाशनी को पी ले। और जब भी आप चाशनी में जलेबी डालें तो चाशनी हमारी हल्की सी गर्म होनी चाहिए, तभी जो आपकी जलेबी है वो अच्छी तरह से चाशनी को पीकर तैयार होगी। तो यहाँ पे जलेबी हमारी अच्छी तरह से चाशनी को पीकर तैयार हो गई है। तो अब हम इस जलेबी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यही ट्रिक फॉलो करके हम सारी जलेबी को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारी बिल्कुल हलवाई जैसी रस से रसीली क्रिस्पी जलेबी बनकर तैयार हो गई है। तो आप इस जलेबी को बनाइए, खाइए, खिलाइए अपने फैमिली अपने बच्चों के साथ, एंजॉय कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।